जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक बहोत, मेरे वालों क्राइम कंट्रोल विच एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। दोस्तों, पंजाब विच सब तो ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार लोहड़ी, मेरे वालों लोहड़ी दियां भी तुहानू बहुत सारिया शुभकामनावां। दोस्तों, लोहड़ी का त्यौहार जिथे असी नवी ब्याही जोड़ी लई जां मुंडे दे होण ते मनाने आ, पर जेकर असी यही लोहड़ी का त्यौहार कुड़ी दे जम्मन ते भी मनाना शुरू कर दईए तो साढ़े समाज विचों भ्रूण हत्या वर्गा पाप, भ्रूण हत्या वर्गा कलंक खत्म हो सकता है। अज का साडा ये एपीसोड भी कुछ इस ही तरह की घटना पर आधारित है। क्यों चुकया प्रीत ने यह कदम, अपनी ही धी जन्म देने लई क्यों छड्या अपना घर। प्रीत, तू इत्थे थी है? नमस्ते मामा जी। नमस्ते पुत्र, आ अंदर। तीए हुण दस की गल? मामा जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हन, इस करके मैं तुहाडे कोल आना ही ठीक समझिया। कोई गल नहीं धीए, ये भी तेरा ही घर है, तू पर मैनू गल तां दस, गल की है? मामा जी, व्याह तो बाद जदों मैं पहली बारी मां बनने वाली सी तां की होना सी, कुछ भी नहीं होया, पर आपने तो बच्चा होने वाला सी। बच्चा नहीं, बच्ची होने वाली सी, पर मेरी गल कन खोल के सुन ले, आपां नूं मुंडा चाहिदा, मुंडा, सिर्फ मुंडा। पीढ़ी चलाने जरा भी फिक्र नहीं, बैठी है मुंह बना के देखती भी मेरा मुंह। सुनो जी, तुम इस तरह क्यों किया? तुम इस बार मैं मुंडा दे, अगे तो मैं इस तरह नहीं करांगा। अरे मेरे हाथ में नहीं है, इधर आपकी मर्जी है। मैनू नहीं कुछ भी पता, मैनू तो मुंडा ही चाहिए, बस मुंडा। सुन ले कान खोल के, की कहंदा पिया मेरा मुंडा। सो क्यों मंदा आखिए जिन जमे राजान, पर हिंदुस्तान की अवला नारी की कहानी भी अजीब है, जो कि अपने सहुरा परिवार की इन्नी सेवा करके भी अपनी ही धी नूं जन्म नहीं दे सकती। पर प्रीत नूं कुछ महीनों बाद मां बनन दे संकेत मिले, पर जिंदर उसनूं फिर लै गया हस्पताल ये जानने लई कि इस बार मुंडा है जां कुड़ी। डॉक्टर साहब, की बनया? इस बार कुड़ी है। चंगी तरह देख लो, चंगी तरह चेक कर लिया। डॉक्टर साहब, लड़की अपन नहीं चाहिए, कोई हल लगो। देखो जी, इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब प्लीज, खर्चे वाली कोई गल नहीं, कोई ना कोई हल जरूर कढ़ो। इस बार मैं कर देना, अगे तो नहीं मैं करूँगा, पेशेंट ले आओ। थैंक यू सर। जिंदर दे काफ़ी जद्दोजहद तो बाद डॉक्टर ने प्रीत का दूसरी बार भी अबॉर्शन किया, पर प्रीत अंदरों टुटी तो है पर हिम्मत नहीं हारी। तुसी आप ही देख लो।
की होना सी, कुछ भी नहीं होया। तुसी इस तरह क्यों कर रहे हो? मैं तेनू कहा सी ना, आपां नूं मुंडा चाहिदा, सिर्फ मुंडा। मुंडा मुंडा मुंडा, आखिर क्यों तुसी मुंडे दे पिछे पए हो? कुड़ियां भी तो वड्डियां होके अफसर बनदियां ने, ओह भी तो मां बाप का नाम रोशन करदियां ने, मुंडे ते कुछ सब कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बारी इस तरह नहीं होण दवांगी। मैं तेनू किन्नी वारी कहा, मैनू मुंडा चाहिदा, सिर्फ मुंडा। गल इत्थे ही खत्म हो जाती तो ठीक सी, पर तीजी बार भी मां पुत्र ने की सोची घिनौनी हरकत। झाड़ू तो दे रहे चज नाल, अब पीछे गंद छड़ गई है, कुछ अकल तो काम ले लिया कर, ध्यान नाल काम करया कर। जबान तो तेरी लतर लतर चलती है, हैं उदों ही तेनू पता लगता, काम कर लगे तेनू मौत पैंदी है। मेरी किस्मत दे विच मुंडा है ही नहीं। ना पुत, मैं तू कड़े रब दे मां मारे है, तू एदा क्यों सोचदा मैं भी तेरी किस्मत च मुंडा नहीं हैगा। भावे पुत मैनू तेरा दूजा विआह क्यों ना कराना पवे, बाबिआं कोल मत्थे जाके क्यों ना रगड़ने पैण, किसे जोशियां कोल क्यों ना जाना पवे। मैं रब कोलो तेनू मुंडा लैके ही देना, तू देखी चली। हाँ तू भी सोचेगा भी मां ने मेरे लिए की कुछ किया, जे इत्थों नहीं होया ते ना सी कि तू होर करांगे जाके, ना छड़ दई इहनू तू। हाँ कोई नहीं, तू चिंता ना कर, इदा नहीं सोची दा हुंदा भी तेरी किस्मत च मुंडा नहीं हैगा। कोई गल नहीं, जरूर होगा, हौसला रख पुत तू। पर हुण की करिए मम्मी? करना की है, लै जा फिर इहनू डॉक्टर कोल जिहड़ा पिछली बार लैके गया सीगा। पर ना पर की लाई हुई है तू, जो तेनू कहनी है ना तू ओही कर, पर ना कर, बस कल इहनू चुप करके डॉक्टर कोल लै जा। ठीक है मम्मी जी, मैं कल लै जावां। हाँ जरूर लै जी मेरे बीबा पुत। मेरी किस्मत दे विच मुंडा है ही नहीं, तेनु तेरा दूजा विआह क्यों ना कराना पवे। कोई गल नहीं धीए, तेनु कोई लोड़ नहीं उन्ना गुरिंदिया, तू हुण इत्थे ही रह के, ये भी तेरा ही घर, इत्थे रह के तू अपना जीवन बिता। मोबाइल 9417-6031-5243-5242। मेरे वालों लोहड़ी दियाँ बहुत बहुत मुबारक। पर दोस्तों जिते असी मुंडिया के जन्म से लोहड़ी मनाते हाँ, जेकर आप कुड़िया के पैदा होने पर भी इस तरह लोहड़ी मनाइए तो साढ़े समाज में फैलिया भ्रूण हत्या वर्गा कलंक खत्म हो सकता है। मैं आस करदा कि क्राइम कंट्रोल की इस कहानी तो आप जरूर कुछ सीखांगे। मेरे वालों अते सी वर्ल्ड वालों एक बार फिर लोहड़ी दियां लख लख मुबारकां। मैं राजेश शर्मा
मेरे वालों थानू सारे लोहड़ी दी बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह आपां मुंडे दे होण ते लोहड़ी मनाने हैं, सानू कुड़ी दे होण ते भी लोहड़ी इदां ही मनानी चाहीदी है। इस तरह करन नाल भरूण हत्या वर्गा पाप समाज विचों खत्म हो सकता है, क्योंकि साडे समाज विच कुड़ियां दी रेशो मुंडियां नालों 20% घट रही है। जे यही हाल रहा ते लोको नूहां कित्थों लियावांगे। मेरे वालों एक बार फिर सारे लोहड़ी दी बहुत बहुत मुबारक। अपने मामा जी दे घर आके प्रीत ने दिता अपनी धी नूं जन्म, फिर खिड़ उठी उसकी फुलवाड़ी। कोई फलादी जिगर वाली लड़की ही कर सकती है इस तरह जो प्रीत ने किया। पर दोस्तों, प्रीत ने घर छड्डन तो अलावा जो भी किया बहुत सही किया। वैसे लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वह घर रह के भी संघर्ष करके भ्रूण हत्या वर्गा पाप रोक सकती है। अजकल बहुत सारी संस्थावां हैं जिथे जाके वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। पर प्रीत ने माँ बाप बन के दोनों का फर्ज आप ही अदा किया अते अपनी धी नूं पढ़ाया।
ਬੱਚਾ ਨੀ ਪੜਦੀ ਪੜਦੀ ਸੋਏ ਗਈ। आखिर प्रीत की मेहनत रंग लै ही आई। अज उसने साबित कर दिता कि मुंडे ही नहीं कुड़ियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर दिया हैं। उसकी बेटी पढ़ लिख के बन गई बहुत बड़ी अफसर और अज एक ऐसे फंक्शन दे विच जा रही है जिथे उसनु गौरवित धी दे नाल सन्मान किया जा रहा है। हाँ पुत्र आगे तैयार हो के माँ तुसी मेरे लिए मेरी पढ़ाई लिए इन्ना कुछ किया है इन्ने दुख कट्टे ने इसलिए मैं जानी हाँ तुसी मेरे नाल अज दे फंक्शन ते चलो। ना पुत मैं की करूँगी उत्थे जाके तू जा तुसी चलो ताकि मैं लोगों को दिखा सकाँ कि तुहाडे वर्गी औरत की नहीं कर सकती। तुसी लोगों लिए एक मिसाल बनो ताकि सारे तुहाडे वर्गे बन। मामा जी तुसी समझाओ मम्मा नूं कि मेरे नाल चलन अज जे धी इन्नी जिद कर ही रही है तां तू नाल क्यों नहीं चली जांदी पुत। अच्छा अच्छा मैं फिर तैयार होके चलते हैं ठीक है मेरे। प्रोग्राम बुक कराने लई संपर्क करो बिल्ला देत वालिया मोबाइल 9417-6031-9644-5523-2। मेरे वालों लोहड़ी दिया बहुत बहुत मुबारक। पर दोस्तों जिथे असी मुंडिया के जन्म से लोहड़ी मनाते हाँ जेकर आप कुड़ियों के पैदा होने भी इस तरह लोहड़ी मनाईए तो साढ़े समाज में फैलिया भ्रूण हत्या वर्गा कलंक खत्म हो सकता है। मैं आस करदा कि क्राइम कंट्रोल की इस कहानी तो आप जरूर कुछ सीखांगे। मेरे वालों सी वर्ल्ड वालों एक बार फिर लोहड़ी दियां लख लख मुबारक। मैं राजेश शर्मा मेरे वालों थानू सारे लोहड़ी दियां बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह आप मुंडे के होने लोहड़ी मनाने हैं सानू कुड़ी के होने भी लोहड़ी इदां मनानी चाहिए है। इस तरह करन नाल भ्रूण हत्या वर्गा पाप समाज विचों खत्म हो सकता है क्योंकि साढ़े समाज में कुड़ियों की रेशो मुंडिया नालों 20% घट रही है। जे यही हाल रहा तो लोगों नूह कितों लियावे। मेरे वालों एक बार फिर सारे लोहड़ी दी बहुत बहुत मुबारक।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜਾਗਰਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਮਾਤਾਓ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਸਟਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗੋ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਕਰ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ?
उस तो थोड़ी देर बाद ही सनी ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली ते मैनू घरों कढ दिता। मैं उस दिन दा अज तक इधर उधर ही घूम रहा। दोस्तों वेख्या की हाल है अज जिंदर का। यह सब कुछ वेखन तो बाद की विचार हैं तुहाडे? जो लोग भ्रूण विच हत्या करते हैं उन्होंने रब वालों सज़ा तो जरूर मिलती है, क्योंकि सियाने आखते हैं कि स्वर्ग भी इत्थे ही है तो नरक भी इत्थे ही है। दोस्तों अज का साडा यह एपीसोड तुहानू किस तरह का लग्या? सानू इंतजार रहेगा तुहाडे अनमोल विचारां दा। सानू अनमोल विचार देण दे लई साढ़े नंबर तुहाडी टीवी स्क्रीन ते हन। हर जुर्म की आवाज़ होंदी है, जरूरत है उसनू सुनन दी, उसनू समझन दी। दीपक बहुत नू दिओ इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलांगे। जय हिंद।